भाजपा के अंदर इस बार हिमाचल विधानसभा में टिकटों के ऐलान से पहले नई नई चीजें देखने को मिल रही है। राज्य में 5 साल से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट्स को लेकर इतनी जबरदस्त उलझन है कि पार्टी हाईकमान ऐसा कुछ करवाने पर मजबूर हो गया जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुआ। पार्टी ने राज्य की सभी 68 सीटों पर रविवार को अचानक गुप्त मतदान कराया। इस गुप्त मतदान को कराने के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे, यह जानना अति आवश्यक है। पहली वजह रही अलग अलग सर्वे रिपोर्ट से हुई कंफ्यूजन। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा 3 अलग अलग सर्वे कराए गए, जिसके बाद जो तमाम रिपोर्ट सामने निकल कर आई उसने पार्टी हाईकमान को उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर असमंजस में डाल दिया। दूसरा कारण रहा सिटिंग MLA एवं मंत्रियों का नेगेटिव फीडबैक। भाजपा हाईकमान के पास अलग अलग लेवल से जो फीडबैक पहुंचा है उसमें लोअर हिमाचल के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों और 4 मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। तीसरी वजह रही 1.5 दर्जन MLA की जीत का मामूली मार्जिन। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में लोअर हिमाचल से जीतने वाले 1.5 दर्जन MLA ऐसे हैं जिनकी जीत का मार्जिन महज 500 से लेकर 2000 वोटों के बीच का था। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते इन सीटों पर आंख मूंद कर उन्हीं चेहरों को टिकट देना या चांस लेना समझदारी नहीं होगा। चौथा कारण रहा दल बदलुओं को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी। आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में फूट डालना शुरू किया और कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्करों एवं कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी नाराजगी देखने को मिली। गुप्त मतदान के पीछे के 5वें कारण को धूमल फैक्टर बताया जा रहा है। बता दें कि धूमल फैक्टर को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण रहा कि PM मोदी ने अपनी तमाम रैलियों के दौरान पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल के साथ बिताए गए समय को खुलकर याद किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेम कुमार धूमल फैक्टर को परखना काफ़ी आवश्यक हो गया था। इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमने बात की हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए कैंपेनिंग संभाल रहे चुनावी सलाहकार एवं रोडमैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच जय। सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा स्तर पे जिस तरह से अभी एक अपनी मतगणना करके और उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर रही है, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पार्टी एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट कर रही है। ऐसे समय में जब कांग्रेस आज हिमाचल प्रदेश के कई फाड़ में बदल चुकी है और लोग कौन बनेगा CM की रेस में दौड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मिसाल दिया है कि जिस तरह से त्वरित समय में हर विधानसभा लेवल पे लोगों का अपने कार्यकर्ताओं का व्यूज लेकर और उसके आधार पे टिकट किसको दिया जाए निर्णय ले रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा कि कई भारतीय जनता पार्टी में नए ऐसे लोग आ गए जो पहले विधायक किसी और पार्टी से थे। अगर हम पवन काजल की बात करें, लखविंदर राणा की बात करें और ऐसे एक दो लोग और जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उनका अपने क्षेत्र में एक जनाधार भी है, तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक कठिन समय था कि टिकट अपने पुराने संगठन के लोगों को दिया जाए या नए जो जीते हुए उम्मीदवार उनके साथ आए हैं उनको दिया जाए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, मैं मंडी की बात करूं, मंडी के साथ हमीरपुर क्षेत्र में बात करूं, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर टसल ऑफ वार चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो 3 से 4 बार विधायक रह चुके हैं वहां पे परिवर्तन होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं आंतरिक कलह न हो, कहीं ऐसी सिचुएशन न हो कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी कहीं ना कहीं 36 से 48 सीटों के बीच में रुझान दिख रहा है, वो CUTERS के सर्वे हों या भारतीय जनता पार्टी के अपने भी सर्वे हों, 40+ दिख रही है पार्टी, तो ऐसे कंडीशन में यह न हो कि आंतरिक विरोध की वजह से, कार्यकर्ताओं में विरोध की वजह से सीटें इनकी कम हो जाए। मुझे लगता है कि अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से त्वरित समय में लगभग 3,500 लोगों का एक मत लेकर हर विधानसभा लेवल पे, वह अपने आप में ऐतिहासिक है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरे भारत देश के तमाम अन्य पार्टियां, वो प्रादेशिक पार्टियां हों या
राष्ट्र स्तर की पार्टियां हों, इन लोगों के लिए एक सीख भी है कि किस तरह से पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सही किया जाए और पार्टी के सबसे निचले कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाए कि पार्टी में अपना एक लोकतंत्र है, पार्टी का अपना एक संविधान है और पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, न कि यहाँ पर व्यक्तिवाद है जिसके आधार पर आपको टिकट दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के वे तमाम उम्मीदवार जो हर विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावा कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा संतोष का और कहीं ना कहीं सामंजस्य की सिचुएशन पैदा करेगा भारतीय जनता पार्टी का यह स्टेप।